कभी बागी धरती रही बलिया में मासूम बच्चों का भविष्य खतरे में है। जिस उम्र में शिक्षा की लौ जलनी चाहिए उस उम्र में ये मासूम तस्कर बन रहे हैं। जी हाँ, इन मासूमों को देखिए, महज चंद रुपयों के लालच में बच्चों को जरिया बनाकर पशु तस्करी हो रही है। ये देखिए, ये बक्सर का पुल है जो यूपी बिहार को आपस में जोड़ता है। इन जानवरों को ये मासूम बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के भरौली चेकपोस्ट होते हुए जिला पंचायत के मेले से ला रहे हैं। दिन भर में एक हल धोली बस, एक हल धोली, एक हल धोली बस ले जाएंगे। कितना पैसा मिलता है एक बार? 50 रुपये एक खाली में, 50 रुपये 50 रुपया। तीन बेर आइए आया ना पहले जा। कौन दिया है? व्यापारी। व्यापारी का नाम? व्यापारी उन्हें के बिहार में थे। बिहार चला गया कहा जाने अभी नहीं जाने। क्या दिए, क्या बोले हैं आपको? हाँ, क्या बोले हैं, कैसे ले जाओ, क्या करो, क्या बोले हैं? पहुँचावे के बा बक्सर में है, बक्सर में। नरही पुलिस ने भी पशु तस्करी के लिए स्वघोषित रेट तय कर रखा है, जिसे हर पशु तस्कर बखूबी जानते हैं। बड़ा मवेशी हुआ तो 400 रुपए, छोटा मवेशी है तो 200 रुपए। ये पैसा दीजिए और आराम से कीजिए पशु तस्करी। हालांकि पुलिस अधीक्षक इस मामले में कार्यवाही की बात कर रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई है, मेरे द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, इस तरह से अवैध गतिविधियां किसी भी दशा में जारी नहीं की जाएंगी। थानाध्यक्षों को, सर्कल अफसर को मैंने निर्देशित किया है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई ऐसा पाया जाएगा। शेष इसमें जो अगर पुलिस की कहीं लिप्तता पाई जाती है तो उसमें भी कार्रवाई होगी। भले ही पुलिस अधीक्षक कार्रवाई का दावा कर रहे हों, लेकिन यह तस्करी ही वह वजह है जिसके लालच में अधिकांश पुलिसकर्मी नरही थाने पर तैनाती चाहते हैं। नरही थाना मलाईदार थानों में गिना जाता है, यही वजह है कि मानक को ताक पर रखकर सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी यहीं तैनात हैं। बलिया से नरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।